यस बेटा, एक क्वेश्चन और देखते हैं मेथड डिफरेंसेस का, ताकि और क्लियर हो जाए. फाइंड द सम टू एन टर्म ऑफ द सीरीज 1 + 5 + 12 + 22 + 35 एंड सो ऑन. द गिवन सीरीज इज, ये आपने सीरीज को लिख लिया सेम. उसके बाद फिर से आपने डिफरेंसेस चेक किए. द डिफरेंसेस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म्स आर, देखिए 5 - 1 = 4, ठीक है ये 4 आ गया. 12 - 5 ये 7 आ गया. यहाँ पे 22 - 12 ये 10 आ गया. 35 - 22 ये 13 आ गया. तो आप देख पा रहे हैं ये डिफरेंसेस है 5 - 1 = 12 - 5 - 22 - 12 - 35 - 22. तो दैट इज़ क्या बन गया, 4 - 7 - 10 - 13. आप देखिए ये एपी है, क्यों डिफरेंस देखो इसका फिर से 3 - 3 - 3. तो आप कहेंगे विच फॉर्म एन एपी, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन मेथड ऑफ डिफरेंसेस का है. बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह हम करने वाले हैं बेटा, लास्ट क्वेश्चन की तरह करेंगे. लेट ए एन एंड एस एन डिनोट दी एनथ टर्म एंड सम टू एन टर्म ऑफ गिवन सीरीज. नाउ एस एन क्या है बेटा, सीरीज की एन टर्म का सम. तो फर्स्ट टर्म 1 थी, फिर 5, फिर 12, फिर 22, फिर 35, और लास्ट टर्म ए एन होगी, और लास्ट टर्म से पहली ए एन माइनस 1 होगी. फर्स्ट टर्म मार्क कर दिया, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर दिया. फिर से लिखेंगे दोबारा एस एन, लेकिन एक स्टेप आगे लिखेंगे, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसके नीचे, ठीक है, इसको इसके नीचे, और इस तरह से ये टर्म इसके नीचे लिखेंगे, और ए एन को थोड़ा बाहर कर देंगे. ये सेकंड इक्वेशन होगी. फिर वही करना है, सब्ट्रैक्टिंग टू इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन. ये जीरो हो जाएगा, 1 बाहर आएगा. यहाँ मैंने बताया था आपको, यहाँ डैश 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 एक लाइन लगाई मैंने, आपको नहीं लगानी है, आप देखेंगे ध्यान से. यहाँ से 5 - 1 = 4, 12 - 5 = 7, 22 - 12 = 10, और 35 - 22 = 13 आएगा. और आपको पता है यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी टर्म्स हैं, एन माइनस वन. तो ये आपकी यहाँ तक टर्म्स सब्ट्रैक्ट होंगी, तो ये सीरीज़ बन जाएगी 2n - 1 टर्म्स तक. तो यहाँ बेटा आएगा एन माइनस वन टर्म्स, ठीक है, और उसके बाद ये माइनस ए एन हो गया. ए एन हम उधर शिफ्ट कर देंगे, ये ए एन हो जाएगा आपके पास 1 प्लस, ये फिर से ए पी बना. इसमें फर्स्ट टर्म ए है, और कॉमन डिफरेंस इसका 3 है. ए पी का ये फॉर्मूला यूज़ कर दीजिए, एन बाई 2 ए प्लस ए एन. नंबर ऑफ टर्म्स एन माइनस 1 है, बाई 2 टू ए प्लस एन माइनस 1. तो एन माइनस 1 है, तो एन माइनस 2 हो जाएगा. खासकर ध्यान रखना यहाँ एन माइनस 2 आएगा, बच्चे बहुत गलत करते हैं आप. और डी की वैल्यू 3. इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे ये आ जाएगा 8, या जाएगा 3n - 6. मल्टीप्लाई करेंगे 3n + 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका एलसीएम लेंगे, तो ये आ जाएगा 3n² - n/2. तो an आपके पास फाइनल हो गया, पॉलिनोमियल आ गया 1/2 3n² - n. अब इसके बाद आपको पता है कैसे करते हैं क्वेश्चन को, sn निकालेंगे, समीशन ak(k1, 2n). ak क्या बनेगा, 1/2 3k² - k. अब समीशन ओपन होगा, 1/2 बाहर जाएगा, और ये 3 समीशन इसके बीच में आएगा, और यहाँ पे आएगा समीशन 3 समीशन के स्क्वायर, और समीशन के इसकी वैल्यू आपको पता है n(n+1) 2n+1/6 होती है, और इसकी वैल्यू n(n+1)/2 होती है. तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, बस आपको ये सॉल्व करना होना चाहिए. यस बेटा, तो आगे आ गया 1/4 n(n+1) 2n+1) - n(n+1). इसको सॉल्व कर लेंगे, इसमें से n(n+1) n(n+1) कॉमन आ जाएगा इसमें से, ठीक है. तो ये बचेगा 2n+1 और -1, तो ये 2n आ गया, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 4 फैक्टर पे, 4 के साथ 2 पे, तो ये आ जाएगा n(n)² (n+1). यहाँ आपका आंसर बन गया, sn क्या आ गया, n² (n+1)/2. यहाँ आप n की वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हैं, आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, और फर्स्ट टर्म से ये मैच कर जाएगा, ठीक है बेटा. अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. इफ़ s1, s2, s3 आर द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, देयर स्क्वेयर्स एंड देयर क्यूब्स रिस्पेक्टिवली, शो दैट 9s² = s3 × 1 + 8s1. फिर से s1, s2, s3 आर द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, देयर स्क्वेयर्स एंड देयर क्यूब्स रिस्पेक्टिवली. तो ये आपको प्रूव करके दिखाना है. सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, या वही है s1 क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर. फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है, n(n+1)/2. s2 क्या है, सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, 1² + 2² + 3² और 2n² क्या फॉर्मूला, ये भी आता है आपको, n(n+1) (2n+1)/6. और s3 यहाँ पे क्या है, s3 क्या है, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, 1³ + 2³ + 3³ + --(up to n³). इसका फॉर्मूला भी आपको आता है, n² (n+1)² / 4. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. नाउ 9s² लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे, 9s² की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए और इसका स्क्वेयर कर दो, तो ये आ जाएगा, ये आपके पास आएगा, तो स्क्वेयर कर दिया इसका, किसका, s2 का, तो ये आ गया n² (n+1)² 2n+1)/36. अब ये 9 कट जाएगा इसमें 4 पे, तो ये 4 हो गया, और ये आपके पास, इसको नंबर इक्वेशन 1 कर देंगे, ठीक है. इसके बाद लेंगे राइट हैंड साइड को, तो s3 × 1 + 8s1 लेंगे,
इसमें से क्या आएगा, एस थ्री की वैल्यू है एन स्क्वायर एन प्लस वन का होल स्क्वायर बाई फोर, और वन प्लस एट टाइम्स एस वन की वैल्यू ये रही एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, ये बेटा फोर पे कट जाएगा, ये आ गया फोर एन एन प्लस वन, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे फोर एन स्क्वायर प्लस फोर एन प्लस वन। अब देखेंगे ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया किसका, ये बनेगा टू एन प्लस वन का होल स्क्वायर। देखिए यस बेटा, तो ये आ गया एन स्क्वायर एन प्लस वन होल स्क्वायर बाई फोर इंटू टू एन प्लस वन का स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं एन स्क्वायर एन प्लस वन का होल स्क्वायर टू एन प्लस वन का होल स्क्वायर बाई फोर, इसको आप सेकंड इक्वेशन कर देंगे। तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन आप क्या देखेंगे, नाइन एस टू स्क्वायर इक्वल टू एस थ्री इंटू वन प्लस एट एस वन, ये बेटा दोनों वैल्यू इक्वल आ जाएंगी, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगा। उसी के साथ क्वेश्चन खत्म हो जाता है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, फाइंड दी सम टू एन टर्म ऑफ द सीरीज हुज एनथ टर्म इज एन स्क्वायर प्लस टू रेज टू पावर। तो आपको पता है एनथ टर्म पता होनी चाहिए, हमें पहले ही दे रखी है। तो क्वेश्चन इजी है, लेट ए एन एंड एस एन डिनोट दी एनथ टर्म एंड सम टू एन टर्म ऑफ दी गिवन सीरीज। नाउ ए एन क्या दिया हुआ है, एन स्क्वायर प्लस टू रेज टू पावर एन। ध्यान रखना बेटा ये पॉलिनोमियल है और ये एक्सपोनेंशियल है, और आपको बोला हुआ है पॉलिनोमियल में आपका फॉर्मूला काम करता है समीशन वाला, और टू की पावर एन हमेशा क्या है, एक्सपोनेंशियल हमेशा क्या होती है, जी पी होती है। कैसे देखो, तो एस एन क्या होता है, समीशन ए के, ए के की वैल्यू यहाँ से आएगी के स्क्वायर प्लस टू रेज टू पावर के। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ, यहाँ पे जो वैल्यू बनने वाली है वो आपके पास क्या बनने वाली है यस बेटा, तो ये समीशन बनेगा और एक के की वैल्यू यहाँ से आएगी के स्क्वायर प्लस टू रेज टू पावर के, एन को किससे रिप्लेस कर देंगे, के से। ठीक है, अब समीशन को ओपन करेंगे यहाँ पे और यहाँ आएगा, तो ये आ गया समीशन के स्क्वायर प्लस समीशन टू रेज टू पावर के। इसका फॉर्मूला आपको आता है एन इंटू एन प्लस वन, टू एन प्लस वन बाई सिक्स होता है। ठीक है, और ये समीशन है, इसको आप नहीं फाइंड कर सकते, इसके लिए इसको ओपन कर देंगे तो ये जी पी बन जाएगी। देखो टू रेज टू पावर वन प्लस, फिर के को टू पुट करेंगे, टू स्क्वायर प्लस टू क्यूब प्लस और अप टू टू रेज टू पावर एन आ जाए। ये जी पी है, मैंने लिखा है यहाँ पे जी पी है। इसका फर्स्ट टर्म ए टू है, कॉमन रेशो आर टू है, तो इसका फॉर्मूला, इसकी वैल्यू तो आ चुकी के पास, जी पी का फॉर्मूला यूज़ कर दीजिए ये वाला, एस एन इक्वल टू ए इंटू आर रेज टू पावर एन माइनस वन ओवर आर माइनस वन। तो ये आ जाएगा टू इंटू टू रेज टू पावर एन माइनस वन ओवर टू माइनस वन। सॉल्व करेंगे ये वन हो जाएगा, टू इंटू टू रेज टू पावर एन माइनस वन आएगा, और ये टर्म सेम टू सेम है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसमें आप जी पी और मिक्सचर कर रहे हैं किसका, स्पेशल सीरीज़ का। तो देखा आपने इस तरह से स्पेशल सीरीज़ का सम टू एन टर्म्स हम फाइंड करते हैं। तो इस तरह से ये जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है, कोई दूसरा भी आ सकता है, कॉन्सेप्ट जो है आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो इस तरह से हम सम करते हैं, ठीक है, तो ध्यान से करिए काम इसको, फिर हम नेक्स्ट टाइम और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।